हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू इजी एजुकेशन। मेरा नाम है गगन और अपने रिलेशन एंड फंक्शन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस। यह जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया था, प्लीज़ एक बार उसे देख कर आओ क्योंकि उस नॉलेज के बिना आपको आगे ये समझ नहीं आएगा। आपको वो बेसिक नॉलेज ज़रूरी है आगे इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस लेक्चर तक पहुँच सकते हो। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन, इसके एक बार हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ देर इज़ अ सेट ए एंड बी, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखा यहाँ पे आ गया ना ए क्रॉस बी, ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें बता ही रखा है कि जो आपका रिलेशन है वो एक सबसेट है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहाँ पे मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। ए सेट में मेरे पास 1 to 10 नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में मेरे पास नंबर्स है 1 to 5। अब अगर मुझे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होता था तो मैं तो आँख बंद करके सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर बना देता था, सारे एलिमेंट्स से एरोज निकाल देता था और सबके ऑर्डर्ड पेयर बना देता था। यहाँ पे मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 10 into 5 50 एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है, मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते जैसे सारे एलिमेंट्स आँख बंद करके नहीं उठा सकता। मुझे यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया गया है सेट ए और सेट बी के बीच में, जो कि है ए इज़ इक्वल टू 2b। ये एक रिलेशन है सेट ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में, जिसमें से जो ए है वो बिलोंग करता है सेट ए को और जो स्मॉल बी है वो बिलोंग करता है सेट बी को। अब मैं सिर्फ वही एलिमेंट्स उठा सकता हूँ ए और बी सेट में से जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब मुझे पहले इसके अंदर पुट करके देखने पड़ेंगे एलिमेंट्स कि कौन कौन से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू 2 आएगी। बी की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ए की वैल्यू 4 आएगी। बी की 3 पुट करूँगा तो 6 आएगी। 4 पुट करूँगा तो 8 आएगी। 5 पुट करूँगा तो उसी तरह 10 आएगी। यहाँ पे मेरे पास कुल 5 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। आप देख रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास 50 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 5 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इस रिलेशन के बाहर एलिमेंट्स नहीं लेने। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो ये है 5। अब ये जो मेरे 5 ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं इनका मैं एक सेट बना दूंगा और उसको मैं डिनोट करूंगा आर से, क्योंकि वो एक नया रिलेशन है। अब अल्टीमेटली रिलेशन भी तो है एक सेट ही, और ये जो मेरा रिलेशन है इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो पार्ट हैं मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ये सारे एलिमेंट्स मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी पार्ट हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा रिलेशन है वो एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का? और डेफिनेशन में भी देखो यही लिखा है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो आपका रिलेशन, आपको कोई भी रिलेशन दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे ए इज इक्वल 2b दे रखा है, यहाँ पे आपको ए इज इक्वल 3b भी दे सकते थे, ए इज इक्वल बी स्क्वायर भी दे सकते थे, यहाँ पे कुछ भी दे सकते थे आपको। यहाँ पे आपको जो भी दे रखा होगा उसको हम एक रिलेशन मानेंगे और उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट के तो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ही होंगे, तो वो एक सबसेट भी होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इतना आपको रिलेशन का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते थे तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू करता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं कि इन दो सेट्स के बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, 2^m(n), जहाँ पे जो m है वो है मेरा सेट ए के एलिमेंट्स और n है वो है सेट बी के एलिमेंट्स। इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो ये आप इसको नंबर ऑफ सबसेट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे जो हमने सेट चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि जो रिलेशन है वो तो है ही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही, तो ऐसे कितने सबसेट बन सकते हैं वो आपके नंबर ऑफ रिलेशन के इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसको उस मेथड से भी निकाल सकते हो। अब एक और पॉइंट, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा रिलेशन दे दिया जाए दो सेट्स के बीच में जहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई करता ही नहीं है, जिसमें उन दोनों सेट के कोई भी एलिमेंट आता ही नहीं है, तो क्या मैं तब भी उसको एक रिलेशन बोलूँगा? बिल्कुल, मैं उसको एक रिलेशन बोलूँगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर मेरे उस रिलेशन में कोई एलिमेंट फिट नहीं बैठेगा तो वो मेरा कौन सा सेट होगा? रिलेशन अपने आप में है तो एक सेट ही, अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एक नल सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, और नल सेट हर सेट का सबसेट होता ही होता है, तो वो भी मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। इट मीन्स वो मेरा एक रिलेशन होगा। ठीक है,
अब आई थिंक आपको रिलेशन समझ में आ गया है कि हम किसे कहते हैं रिलेशन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम ज़रा डोमेन और रेंज के ऊपर, कि डोमेन और रेंज ये दो नए वर्ड्स निकल के आए हैं कि क्या है। आपको मैं डोमेन की सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ एग्जाम्पल से। मुझे यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं ए और बी, और एक रिलेशन दे रखा है ए टू बी। ये लिखने का तरीका होता है कि रिलेशन ए और बी के बीच में है और ए टू बी है। इससे मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे एलिमेंट्स को ए टू बी मैप करना है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी रिलेशन दिया हो सकता है आर, और जब मैं उस रिलेशन के हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर्स बनाऊंगा तो उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको मैं बोलूँगा डोमेन। बेसिकली अपने रिलेशन को ध्यान में रखते हुए कि मुझे कौन से सेट से कौन से सेट की तरफ रिलेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मुझे ए टू बी रिलेशन दिया है, तो ऑब्वियसली जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जो मेरा ए सेट के एलिमेंट्स हैं जितने भी, जो कि मेरे उस रिलेशन में आ रहे हैं, जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको मैं बोलूँगा डोमेन। और रेंज क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, जो मेरे सेकंड एलिमेंट्स में सेट होते हैं उनको मैं बोलता हूँ रेंज। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन, एंड सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो अभी मैंने आपको रेंज बता दिया है, डोमेन बता दिया है, रिलेशन किसे कहते हैं ये बता दिया है। आपको मैंने आपकी क्लास 11th में जितना भी रिलेशन पूछा जाता है वो सब आपको मैंने बता दिया है। आपकी क्लास 12th में भी एक रिलेशन फंक्शन आता है जो कि हम 12th वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको जितना क्लास 11th में पूछा जाएगा वो सारा रिलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, डोमेन और रेंज ही बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शंस का डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिलेशन पहले समझना ज़रूरी था फंक्शंस पढ़ने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए सी या बाय बाय।